Yes, people, let's do it. Yes, let's do revision of chapter number 10 and get it done. Chapter 10 ek behtareen sa chapter hai. We're talking about chapter number 10 ekdam comfortably. Chapter 10. Kya sama bana hai? Ekdam dhyan se. Chapter 10. Chapter 10 baat karta hai about the topic of resource mobilization. Ekdam comfortably chapter 10 baat karta hai about resource mobilization. Resource mobilization from international capital market. कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट बाहर से आप किस किस तरह से रिसोर्स मोबिलाइज कर सकते हो. ये चैप्टर आपको चार टॉपिक्स पढ़ाता है एकदम कंफर्टेबली. 1, 2, 3 and 4 ये चैप्टर आपको चार टॉपिक्स पढ़ाता है. फर्स्ट टॉपिक ये चैप्टर में आपसे बात करेगा अबाउट जीडीआर एडीआर कह सकते हैं. नेक्स्ट ये आएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स एंड नेक्स्ट लास्ट आएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. एकदम इजी टू गो टॉपिक है. कोई कंफर्टेबल कोई तकलीफ की बात यहाँ पे है नहीं. एकदम कंफर्टेबल जाने वाला है टॉपिक. इसमें आपका चैप्टर का 70% एफर्ट्स है टुवर्ड्स जीडीआर. फिर ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं एकदम कंफर्टेबली. अगर हम बात करते हैं जीडीआर का सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ जीडीआर. जीडीआर का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है. देयर इज अ कंपनी हियर, देयर इज अ पर्सन हियर. दिस पर्सन विशेस टू बाय शेयर्स ऑफ दिस कंपनी बट वो खरीद नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रेगुलेशन. यहाँ पे कौन आता है मुझे बताओ. वेरी गुड. ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक शेयर्स खरीद लेगा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक और ये शेयर्स के बाद में इश्यू कर देगा जीडीआर टू द पर्सन एंड दैट पर्सन बिकम जीडीआर होल्डर. और लॉ का रिक्वायरमेंट है कि इंडिया में क्या होना चाहिए कस्टोडियन बैंक. तो शेयर्स की जो कस्टडी है वो आ जाएगी इंडिया में जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है उसके पास. तो सबसे पहले दो सवाल आते हैं आखिर ये व्यक्ति क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, आखिर ये कंपनी क्यों इशू कर रही है. तो पहले जो दो क्वेश्चन है दैट इज व्हाई अ कंपनी गोज फॉर जीडीआर, व्हाई एन इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन जीडीआर. एकदम कंफर्टेबली पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम इन्वेस्टर लुकआउट कि आखिर इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड है. याद आ रहे हैं 5 पॉइंट फर्स्ट और लास्ट वेरी लॉजिकल. 3 पॉइंट मोर ऑर लेस सेम. फर्स्ट पॉइंट क्या था टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो कि मैं मेरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हूं एंड दैट इज व्हाई. लास्ट पॉइंट टू रिड्यूस कमर्सी करेंसी रिस्क टू अवॉइड करेंसी रिस्क. उसके बाद में तीनों पॉइंट सिंप्लीफाइड है नो रेस्ट्रिक्शन कन्वीनियंट कि मेरे लिए भाई कन्वीनियंट है मेरे लिए इट इज वेरी सिंप्लीफाइड और इट देर इज नो रेस्ट्रिक्शन दैट इज व्हाई पीपल गो फॉर इट. दिस इज अबाउट इन्वेस्टर. देन कम्स अबाउट द कंपनी आखिर इश्यू करना चाहता है. वापस हम 5 पॉइंट पढ़े. फर्स्ट और लास्ट पॉइंट लॉजिकल मोर ऑर लेस सेम. फर्स्ट पॉइंट क्या था टू रेस कैपिटल भाई बेसिक लॉजिक है पैसा मिल रहा है टू रेस कैपिटल. द लास्ट पॉइंट इज टू फैसिलिटेट फॉरेन करेंसी टू फैसिलिटेट मर्जर एंड एक्विजिशन. हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन फैसिलिटेट होता है बिकॉज वी हैव एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी. एकदम ध्यान से. फिर बीच के 3 पॉइंट मोर लेस सेम. इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है आपका ग्लोबल इमेज एंड आपका इवेंचुअली कंपनी के आपका नाम हर जगह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है. दी आर द 5 कंडीशन. इसके अलावा एक और चीज आपने पढ़ी और बहुत लोगों ने आंसर भी किया सेटअप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. मैंने आपको याद करने का नहीं कहा था लेकिन मॉड्यूल का पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे आपको. तो बहुत बढ़िया चीज है. ये हो गए इन दोनों लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट कम्स अ टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन. एकदम शिद्दत से संभालो. सिर्फ चैप्टर 10 रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ चैप्टर 10 और कुछ भी नहीं ठीक है ना. तो एकदम शिद्दत से करो सिर्फ चैप्टर 10 करके हम रुक जाएंगे. हम लोग पढ़ रहे हैं द टॉपिक ऑफ व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ जीडीआर डिपॉजिटरी रिसीट. दो तरीके से क्लासिफाई हो सकती है स्पॉन्सर्ड अनस्पॉन्सर्ड. अरे व्हेन देयर एग्जिस्ट अ स्टॉक अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द डिपॉजिटरी स्पॉन्सर्ड. व्हेन देयर इज नो स्टॉक अग्रीमेंट अनस्पॉन्सर्ड. स्पॉन्सर्ड फर्दर दो तरीके हो सकते हैं when the company is issuing capital raising existing shareholders से लेकर देना non capital raising perfect. ये हमने देखा. उसके बाद में अगर आगे जाते हैं तो उसके बाद में आता है कि वापस depository receipts या GDR दो प्रकार के हो सकते हैं listed और unlisted. अगर वो उस foreign country में listed है तो listed otherwise unlisted कोई concern नहीं है. उसके बाद में आता है आपका custodian की बात करते हैं कि custodian की क्या duty होती है. यहाँ पे क्या memory technique थी RCDC. एग्जाम में ध्यान रखना है कि कहां पे RCDC और कहां पे वो है मॉनिटर मेंटेन मॉनिटर रिपोर्ट आ रहा है ना. ध्यान रखना है कहां पे कौन सा है RCDC. सबसे पहले R stands for
Record. You have to record all the transaction. C, comply. Comply with all the provisions. DC, D bole to. डेटा जो भी मांगेगा सेबी मांगेगा आरबीआई मांगेगा मिनिस्ट्री मांगेगी जो भी मांगेगा उनको रिक्वायर्ड डेटा दे देंगे आरसीडीसी में डेटा लास्ट ई स्टैंड्स फॉर कॉपी सेबी कमांड में कॉपी दे देंगे भाई जो भी हमने काम किया उसकी कॉपी आरसीडीसी ड्यूटी है ऑफ द कस्टोडियन नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशंस फॉर इशू कंडीशंस ऑफ इशू में जो भी सब हमारा देखा हुआ है सिर्फ एक पॉइंट आता है पहले पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन फिर आप सीए सीएस सीडब्ल्यू को अपॉइंट कर लेंगे कि भाई वो पूरा हैंडल करेगा उसके बाद में आता है अप्रूवल रिक्वायर्ड मैंने आपको पढ़ाया था ना जो दिखा उसके बोर्ड शेयर होल्डर्स आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जितने लोग मिले हर एक काम अप्रूवल लेते हुए चल रहे हैं वेरी इजी टॉपिक नेक्स्ट कम्स अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल इंटरमीडियरीज सारे जो नाम याद है वहां पे लिख सकते हैं इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल जितने नाम याद आते हैं हम अगर बात भी करना चाहें तो लीड मैनेजर को मैनेजर ये हो गया उसके बाद में डिपॉजिटरी बैंक कस्टोडियन बैंक लीगल एडवाइसर प्रिंटर ऑडिटर अंडर राइटर सो देयर इज नथिंग इन हियर देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अब इज्जत देंगे इस टॉपिक को इसमें इज्जत है एकदम लाइक मतलब अगर हर कोई है तो इसको आंसर नहीं कर पाएगा एकदम ध्यान से वे स्टडिंग द टॉपिक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन तीन डॉक्यूमेंटेशन पढ़े हमने एकदम कंफर्टेबली सबसे पहला पढ़ा हमने लीड मैनेजर और कंपनी के बीच में होता है सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट जहां पे व्यक्ति कहता है कि सारे शेयर्स आपके जो जीडीआर से मैं बेचूंगा आगे नहीं कर पाया तो मैं उसको सब्सक्राइब करूंगा सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट बिटवीन लीड मैनेजर एंड द कंपनी देन कम्स डिपॉजिटरी अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द डिपॉजिटरी बैंक वेयर इन द डिपॉजिटरी बैंक अग्रीज के हाँ हाँ ये सारी सब मेरी ड्यूटीज है इनका मैं ध्यान रखूंगा देयर आफ्टर कम्स बिल्कुल ठीक है कस्टोडियन अग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी बैंक एंड कस्टोडियन एक बहुत कॉमन मिस्टेक है पीपल राइट कस्टोडियन अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टोडियन नहीं डिपॉजिटरी एंड द कस्टोडियन जहां कस्टोडियन की सारी ड्यूटीज वगैरह लिखी होती है क्या क्या ऑब्लिगेशन क्या क्या कस्टोडियन को कंप्लाई करना है फॉर डिपॉजिटरी उसके बाद में हमने दो और डॉक्यूमेंटेशन देखे एक देखा ट्रस्ट डीड और एक देखा एजेंसी अग्रीमेंट एकदम ध्यान से ट्रस्ट डीड इज बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्टीज एजेंसी अग्रीमेंट इज बिटवीन द कंपनी एंड द कन्वर्जन एजेंट व्हेन इन द कन्वर्जन एजेंट अग्रीज टू पे द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ट्रस्ट डीड इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द ट्रस्टी वेयर इज द ट्रस्टीज गिव गारंटी फॉर द अमाउंट इफ एट ऑल द कंपनी वोंट बी पेइंग द ट्रस्टी विल बी पर्सनली पेइंग एकदम कंफर्टेबल है यहां पे ये चीज हमने देखी उसके बाद में हमारे टॉपिक चेंज होकर आ जाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड अरे लड्डू फॉरेन करेंसी मींस द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज पेड इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल इट इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी बॉन्ड इट इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बॉन्ड फिक्स्ड इंटरेस्ट इसके अलावा एक वर्ड याद करने के लिए बोला था अनसिक्योर्ड है तो listed and it is a very economical mode of raising money exchangeable aap khud likh sakte hain jo aapne bhi galti pakdi kya another company if at all foreign currency exchangeable bond convertible ka matlab sirf ke aap denge bond aapko usi company ka agar share milta hai that is convertible aur agar maan lijiye aaj jab wo investor बॉन्ड देगा उसको शेयर किसी और कंपनी का मिलेगा दैट इज एक्सचेंजेबल फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल रिलायंस ने आज इशू कर दिया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दिया इन्वेस्टर को आज बॉन्ड दिया थोड़े समय बाद जब वो व्यक्ति आएगा उसको रिलायंस अपना ही इक्विटी शेयर देगी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड आज आपको बॉन्ड दिया आप जब टेन्योर खत्म होने के बाद में आए तब मैंने आपको किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर दे दिए फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स उसके बाद में लास्ट आता है External commercial borrowing when an eligible resident entity borrows from a recognized non-resident entity this is termed as external commercial borrowing teen track hai 1 2 3 pehle dono indian currency first wale ka tenure last ka tenure second ka 10 ekdam comfortably ho gaya एकदम कंफर्टेबली दिस इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग फॉर यू इसके बाद हमने कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट देखे जिसमें से दो बहुत खास है इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं रोड शोज और
ऑफरिंग सर्कुलर. मुझे बताइए विच वन इज अ मीटिंग ऑफ थ्री पीपल. रोड शो इज अ मीटिंग ऑफ थ्री पीपल. तीनों कौन? इश्यूअर, इन्वेस्टर, तीसरा कौन है? एनालिस्ट. ऑफरिंग सर्कुलर इज अ डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी. एकदम ध्यान से, अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूं ऑन द पॉइंट्स कंटेन्ड इन रोड शो. एकदम ध्यान से, अगर मैं रोड शो की बात करूं तो इसमें होता है आपके बड़े जनरल पॉइंट्स, हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स, बिजनेस लाइंस, पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान्स, पोजिशन ऑफ द कंपनी. जनरल चीजें कि हमारी हिस्ट्री ऐसी है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे ऑब्जेक्ट ये हैं, इस तरह की आप जनरलाइज बातें करते हैं जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर पाए. एंड व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग सर्कुलर, बड़ी पर्टिकुलर बात की जाती है. सबसे पहले आता है बैकग्राउंड ऑफ कंपनी एंड प्रमोटर, देयर आफ्टर कैपिटल स्ट्रक्चर, टर्म्स एंड कंडीशंस, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू, मार्केट प्राइस, स्टेटस ऑफ अप्रूवल, एनी लीगल इश्यूज कह सकते हैं या फिर कोई भी आपके पेंडिंग चीजें हैं वो सारी चीजें आप यहां पे कह सकते हैं. दैट इज अबाउट ऑफरिंग सर्कुलर एंड रोड शोज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है, उस पर एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे ये, अदरवाइज आपको बाद में तकलीफ ना दे. दैट इज पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड. लास्ट टॉपिक है, शिद्दत से दो मिनट के लिए अपना हिम्मत बनाए रखो और देखो आपको ये टॉपिक याद है कि नहीं है. पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड. ECB proceed can be parked domestically or abroad. Generally कैसा होता है, अगर आपका foreign currency जो expenditure है, जो आपका expenditure है वो foreign currency में ही है तो आप उसको abroad में ही रखना पसंद करते हैं, और अगर आपका वो expenditure Indian currency में है, मतलब आप convert करा के Indian currency में expenditure करने वाले हैं तो आप उसको domestic में ले आते हैं. ये generally होता है. खैर हमारा तो topic वो है ही नहीं है, हमारा है parking of ECB proceed. क्या park कहाँ कर सकते हो? एकदम ध्यान से, अगर मैं abroad की बात करूँ तो अब्रॉड में तीन पॉइंट पड़े थे, बिल्कुल सही. पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री. पॉइंट वन सेज यू कैन पार्क इट वेयर, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी बैंक विद मिनिमम रेटिंग. ठीक है साहब. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या था? ट्रेजरी बिल और एनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मिनिमम रेटिंग. मिनिमम रेटिंग, टेन्योर वन ईयर तो वैसे ही मनी मार्केट का वन ईयर ही होता है तो वो ठीक है, लेकिन मिनिमम रेटिंग. और लास्ट हो गया एनी Overseas branch of Indian bank, any overseas branch or subsidiary of Indian bank, overseas branch or subsidiary of Indian bank. ठीक है साहब. तो सवाल आ जाता है एंड में सिर्फ उस रेटिंग के ऊपर. एकदम ध्यान से, रेटिंग क्या है? दो रेटिंग एजेंसी थी, एक तो कौन थी? स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच, और दूसरी कौन सी थी? मूडीज. स्टैंडर्ड एंड पुअर की क्या थी? A minus, यहां पे A small a और 3. अगर ये रेटिंग है तो चलेगा, या इससे ऊपर रेटिंग होनी चाहिए. दिस इज द मिनिमम रेटिंग जहां पे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड दिस इज पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड. सर ये अब्रॉड में, इंडिया में क्या? तो इंडिया में तो कोई लोचा ही नहीं है. आप AD कैटेगरी 1 बैंक के भले ही रुपी अकाउंट में रख लो, भले ही किसी के इसके टर्म डिपॉजिट में रख लो, आप रख सकते हो. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एंड दैट इज वेयर चैप्टर 10 इज कंक्लूडेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम कंफर्टेबल, एकदम लपक के चले आ रहा हूं, यहां पे रुक जाते हैं. थैंक यू सो मच.